फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश हिंदी। फ्रेंड्स आपके फ्रिज के अंदर से पानी आ रहा है, नहीं तो आपके फ्रिज के ऊपर में कूलिंग है, नीचे कूलिंग नहीं आ रहा है। सो इस सबको कैसे फिक्स करें, ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करें, सब कुछ मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे लास्ट तक देखिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा ढीला है, बना मैंने, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स मेरे पास डबल का सैमसंग का फ्रिज है, हम इसमें चेक करेंगे कूलिंग नीचे नहीं आने का कारण क्या होता है, कैसे चेक करें, ठीक है। ऊपर का डोर ओपन कीजिए और ये इस पर एक डक होता है, ठीक है। इधर एक स्क्रू होता है, इधर एक स्क्रू होता है, इसको दो स्क्रू को निकालिए, ये बाहर आ जाएगा। ये निकालने के बाद ये बाहर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, दो दिन छोड़ दीजिए, बाद में निकल आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, इसके अंदर तो आइस बन जाता है, सो इसको पकड़ लेता हो, ठीक है। आपको जोर से जोर लगाएंगे ना, ये टूट जाएगा, ठीक है, बाद में नहीं मिलेगा ये। फ्रेंड्स ये निकालने के बाद इसके अंदर एक फ़ैन होता है, ठीक है। फिलहाल फ़ैन को चेक कीजिए ऑन करके, फ़ैन घूम रहा है नहीं, फ़ैन नहीं घूम रहा है तो फ़ैन खराब है। क्योंकि ऐसे केसेस में 90% फ़ैन ही खराब होता है, इसके ऊपर का कुछ ये इसका कुछ इशू नहीं आता, यही फ़ैन खराब होता है। 90% फ्रिज में फ़ैन जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। फ़ैन को चेक कीजिए, फ़ैन घूम रहा है फिर भी नीचे कूलिंग नहीं आ रहा है तो इसको चेक कीजिए। इधर से कुछ चॉइस तो कुछ ब्लॉक नहीं है, और इधर भी चेक कीजिए, इसमें तो कुछ आइस ब्लॉक तो नहीं है। थोड़ा फ्रिज को ऑफ करके इधर थोड़ा गर्म पानी तलिए, थोड़ा अंदर आइस बने तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स आपका फ्रिज के नीचे से कुछ पानी आ रहा है तो देखिए फ्रेंड्स, इधर से कुछ पानी आ रहा है तो उसे कैसे प्रॉब्लम को सही करें मैं आपको दिखाऊंगा। हाई ये 90% गर्म में होता है, नीचे पानी आ जाता है, मैं आपको बोलता हूँ क्या करना है। देखिए ये कॉयल है ना, ये कॉयल के नीचे एक छोटा सा होल होता है, वो होल से जरिए बाहर पानी आया, नीचे पानी आ जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये कॉयल है ना, ये कॉयल के नीचे एक छोटा सा होल होता है, होल के जरिए पानी बाहर आ जाएगा, ऐसा होता है। होल ब्लॉक हो गया तो पानी पूरा आपको नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या करता है पानी पूरा इधर आ जाता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फ्रिज को दो दिन ऑफ करना है, क्या छोड़ना है, ऐसे डोर को खुला छोड़ना है, ऊपर का और नीचे का दोनों डोर खुला छोड़ना है, छोड़ के दो दिन ऑफ करना है। बाद में क्या करना है, दो लीटर गर्म पानी लेना है, इसके ऊपर डालना है, इसके ऊपर पूरा डालना है, वो पूरा कचरा पूरा निकल जाएगा, क्योंकि उसके होल के ऊपर तो आइस बन जाता है, वो निकलता नहीं है, इसीलिए दो दिन ऑफ करना है, कंप्लीट दो दिन ऑफ करना है, तो पूरा आपका अंदर कचरा होगा पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी नहीं आए तो इसको निकाल के कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप हम टेक्नीशियन लोग इसको निकाल के करते हैं, ये कॉयल को आप निकल के ट्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, एल्यूमिनियम क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है, ये टूट जाएगा। ये टूट गया, एक बार टूट गया तो आपको बहुत पैसे खर्च होगा, इसीलिए दो दिन ऑफ करके बाद में गर्म पानी डालिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना करना है, आप इसको ध्यान रखिए, ये नहीं आया तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टूट गया है तो एक बार नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, फ्रिज को कूल नहीं कर क्या करना है, फ्रिज के अंदर आइस बन गया तो क्या करना है, आपका सब्जी खराब हुआ है तो क्या करना है, कैसे क्या चेक करना है, सेंसर कैसे चेक करना है, बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स भूले मत, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है, चलता हूँ भाई।